हाँ तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आज के आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू लेंस का रिव्यू। बहुत ही कमाल की ये लेंस है, 18mm की ये लेंस है। इससे आप बहुत ही बढ़िया सा पोर्ट्रेट करके फोटो खींच सकते हो, बहुत ही कमाल का इससे फोटो आपके मोबाइल में आ सकते हो। हाँ हाँ गाइस, जैसे कैमरा DSLR में आते हैं उस तरीके से इससे आपके मोबाइल में फोटो आ जाएगी। आपको कोई कैमरे की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं, इस लेंस से आप जितने चाहिए उतने फोटो बहुत ही बढ़िया तरीके से खींच सकते हो। इसी के ऊपर आज आपका भाई आपके लिए एक वीडियो लेकर आ चुका है, तो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं हमारे वीडियो का स्टार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हो इंटरेस्टिंग चैनल अमित इन्फॉर्मेशन। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको सोशल मीडिया रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं एंड ऐसे सपोर्ट करते भाई आगे मिलते रहेंगे। तो ये देखो यहाँ पर इस लेंस का बॉक्स कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो इस तरीके का इसका बॉक्स आपके सामने आपको दिख रहा है, तो इसका अंदर का कैसे पार्ट है क्या है ये आपको पहले निकाल के खोल के मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसका ये ढक्कन ओपन करते हैं। ढक्कन ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो इसके अंदर भी और एक बॉक्स आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर और भी एक बॉक्स है। यहाँ पर देखो इनका कुछ यहाँ पर ऑप्शंस मतलब फोटो खींचे हुए भी यहाँ पर दिखाए हुए है इन्होंने, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर हमें मिलेगी लेंस और ये इसको हम रखते हैं साइड में और देखते हैं इस बॉक्स में और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले इसे हम खुला करते हैं और इसे देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे मोबाइल में लगाने के लिए स्टैंड है। ये देखो लेंस फिट करके हमारे कैमरे की साइड में फिट करने के लिए ये लेंस है और ये है ये, इसका आपको पता होगा ये क्या है, ये है मोबाइल का जो फोटो खींचते हम ये बड़ा ना आए अदर जो साइड है उससे कट करने के लिए ये होती है, ठीक है। तो सब कुछ आपको सेट करके ऐसा सेट करना, कैसी लेंस लगाना वो सब मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ इस लेंस के बारे में, ठीक है। तो इस लेंस का बॉक्स कुछ इस तरीके का है, तो इसे हम कर देते हैं ओपन। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक और इसके अंदर भी और एक है ढक्कन, ठीक है, मतलब कोई कागज है। तो इसे हम फेंक देते हैं बट इसके अंदर ये जो है इसके अंदर यहाँ पर है ये लेंस। तो इस लेंस को करते हैं हम ओपन। ओपन करने के बाद ये लेंस कुछ इस तरीके की दिखते हैं। यहाँ पर देखो आपको दिख ही रही होगी, बहुत ही कमाल की लेंस लगती है, कूल लगती है मुझे तो बहुत ही बढ़िया सी, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये लेंस साफ करने के लिए ये इनका ये कागज भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो पेपर दिया है उन्होंने, इससे आप लेंस साफ कर सकते हो, लेंस को आप पूछ सकते हो बहुत ही कमाल से इससे ही साफ करना, ना कि कोई अदर्स कपड़े से साफ करना। तो इससे भी मैं रख देता हूँ साइड में। तो इसके ऊपर यहाँ पर दो ढक्कन है हमें यहाँ पर और पीछे के साइड में। तो अब बात करते हैं इसे ओपन कैसे करें। तो सिंपली से इस ढक्कन को आपको इस तरीके से ऊपर खींचना और ओपन कर देना। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इस लेंस का ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही कमाल का, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर इसे भी इस तरीके से ओपन नहीं करना, इसे यहाँ पे घुमा के इस तरीके से इसे आपको कर देना ओपन। ओपन करते आपके सामने इसका भी ऑप्शन कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब बात करते इसे फिट कैसे करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये जो लेंस का जो ये आपको जो दिया है इन्होंने फिट करने के लिए, इसे लेना है और यहाँ पर आपको आपके इस लेंस को लेना है। फिर यहाँ पर देखो इस तरीके से इसे यहाँ पर करके इसे यहाँ पर फिट कर देना है। इसे फिट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से घुमाना है, फिर ये फिट हो जाएगा। बहुत ही जोर से ये नहीं घुमाना, नहीं तो ये कट भी हो सकता है। सिंपली से नॉर्मल तरीके से इसे फिट करना है। फिट करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेंस का आपको दिख रही है लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फिर इसके बाद कैमरा में सेट आपको कैसे करना वो सब मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे सीधा पॉइंट के ऊपर, आपको मैं दिखा देता हूँ ये कैमरा में सेट करके फोटो कैसे आते हैं ये सब आपको मैं दिखा देता हूँ। अब आप देख रहे हो कि मेरे मोबाइल में मेरा क्लैरिटी कैसे आ रही है, पीछे का बैकग्राउंड। तो मैं लेंस लगा करके भी आपको कुछ फोटोज खींच के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर आपको समझ आएगा कि कैसी क्वालिटी आती है इस लेंस की। अब लेंस की बात करें तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसे आते हैं स्क्रैचेस वेचेस, बट इस पर स्क्रैचेस नहीं है, ये कुछ लगा है, अरे नहीं ये लगा नहीं, कुछ अदर ही है। तो इस तरीके से इसका इंटरफेस कुछ आपको इस तरीके का दिख रहा है। अब इसके पोर्ट्रेट की बात करते हैं हम, इसके पोर्ट्रेट और जूम इन की बात करते हैं। तो इसमें ज्यादा जूम नहीं होता, पोर्ट्रेट ही होता है, उसमें ही जूम भी होता है पोर्ट्रेट के हिसाब से। एंड जैसे ये पोर्ट्रेट आपको जैसे चाहिए उस तरीके का होगा। अगर आपको आपके फेस के ऊपर फोकस करना है तो भी ये हो जाएगा, एंड अगर आपको ये आपके फेस के ऊपर फोकस नहीं करना, पूरा ब्लर करना है तो भी ये हो जाएगा। पूरा का पूरा DSLR जैसा ही ये काम करता है लेंस,
बहुत ही कमाल का। अगर इसके प्राइस बताए तो आपको 999 रुपए में ये मिल जाएगा। ऑनलाइन थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, बट आपको लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। तो चलो मैं आपको कुछ यहाँ पर साइड में आपको फोटो दिखा देता हूँ जो मैंने इस लेंस से खींचे हुए है।